श्री जुगल किशोर शर्मा जी। 15 मिनट पहला क्या इन्हें बोल रहे मोदी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने का मौका जो दिया है। मोदी, मैं समझता हूं कि ये आज एक ऐतिहासिक पल है और विशेष तौर पर ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत देर से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमारे साथ भी इंसाफ होगा, लेकिन काफ़ी देर से ये लोग एजिटेशन भी करते रहे हैं, अपनी बात अपने तरीके से ऊपर तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ जो था वो नहीं मिला था। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इन्हीं के रहते उनको जो है ओबीसी वर्ग के लोगों को जो है वो इंसाफ मिला है और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अब वो राहत की सांस जो है वो ले रहे हैं और उनको लगता है कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा। और विशेष तौर पर जो पार्टियां पहले वहां पर सत्ताधारी पार्टियां रही हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या पीडीपी हो, इन्होंने लोभ लुभावने नारे देकर इनको अपने साथ तो चलाया, वोट बैंक की राजनीति की, वोट लेने के समय जे तो बहुत लोभ लुभावने नारे देकर उनको अपने साथ तो चलाते रहे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं दिया। और विशेष तौर पर पूरे देश में अलग से कानून था और जम्मू कश्मीर में अलग से था, लेकिन पूरे देश में इस वर्ग के लिए, इस वर्ग के उत्थान के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कई कदम जो हैं वो उठाए गए थे और इनको आरक्षण भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था वो इससे वंचित था। तो इसका सारा दोष में जो पहले सत्ताधारी पार्टियां थी, विशेष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को देता हूं, जिन्होंने आज तक इनके साथ बेइंसाफी का रुख जो है वो अपनाए रखा। महोदय, आज मैं अपने मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने ये विधेयक जहां लाकर एक अच्छा कदम जो है वो उठाया है और मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूँ। और विशेष तौर पर अब लोकल बॉडी, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी हो, चाहे म्यूनसिपल काउंसिल हो, अब इसमें भी इस भर के लोगों को जो है वो आरक्षित सीटें जो हैं वो की जाएंगी। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जम्मू कश्मीर में माता बहनों को भी आरक्षण जो है वो मिलेगा और विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में माता बहनों के लिए एक नहीं अनेक कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। और उसी में ये अब जो आज ये जो बिल जहां पर लाया गया है उसके तहत भी माता बहनों को एक राहत जो है वो मिलेगी। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी बात है, होना ही चाहिए था, ये बड़ी पहले होना चाहिए था, लेकिन आज तक इनको वो इंसाफ जो था वो नहीं मिला था। महोदय, मैं देख रहा था कि इसमें पंचायत में वार्ड लेवल तक आरक्षण जो है वो दिया जाएगा और इसके साथ साथ ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी जो है वो आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। महोदय, इसके साथ साथ ही जहाँ पर पंचायतों में भी आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा हमारे जो भाई थे वो हमेशा से कहते थे कि देखिए सब वर्गों के साथ इंसाफ हुआ है, लेकिन हमारे साथ जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा है। लेकिन आज ये बिल लाकर अपनी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने साबित कर दिया है कि हम किसी भी वर्ग के साथ बेइंसाफी जो है वो नहीं होने देंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो बिल जहां पर लाया है और मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। यहां पर इससे पहले भी कई बार वकालत जो है वो हुई है, लेकिन एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने इस वर्ग को हमेशा झूठे वादे ही किए, लेकिन आरक्षण तक जो था वो नहीं दिया है। महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं
और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने हर वर्ग के साथ इंसाफ किया है, अब इस वर्ग के साथ भी आप इंसाफ कर रहे हैं। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और आने वाले दिनों में इनका मनोबल तो बढ़ेगा ही, लेकिन जिस दृष्टि से अपने आप को असहाय और थोड़ा पिछड़ापन से समझते थे, अब उससे भी ये निजात पाएंगे। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। स्वागत नहीं है श्रीमती चिंता अनुराधा जी।